चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चलो भाई। नमस्कार साथियों, स्वागत है और उम्मीद है कि सभी लोग अपने अपनी जिंदगी में काफी अच्छा कर रहे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के एग्जैक्ट 10:30 यानी कि 10:30 और आज है बुधवार का शुभ दिन और हम लोग निकल पड़े अपने नए सफर के लिए और हम लोग हैं रास्ते में कुफरी के लिए। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम मॉल रोड एक्सप्लोर कर रहे थे और हमारे भाई भी और यहाँ पे आए हुए हैं। राम राम भाई। और भाई कैसा लग रहा है? बस भाई बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल, कल तो आया नहीं था, आज देखते हैं। होप सो। बिल्कुल, और आज जो है जबरदस्त तस्वीरें हम खींचेंगे और आंखों में जो तस्वीर खींच के ले जाएंगे जो एक नंबर है। बोल भाई इसमें देखो। और भाई बता। जी भैया नमस्ते। क्या क्या करने का प्लान है आज? कैसा फील हो रहा है? एक्साइटेड हो कि नहीं? मैं पहले एक्साइटेड था, फिर पता चला आप चल रहे हो साथ में, बड़ा मजा आया भैया सुन के। मतलब ऐसा लग रहा है दिल गार्डन सा हो गया। क्या बात है, आप पैसे अलग से कौन देंगे भैया? बिल्कुल पराठे बढ़िया, पनीर बटर मसाला है। वो देखिए दूर में आप देख रहे होंगे वो बर्फ की पहाड़ियां हैं। हम वहां तो नहीं जा रहे हैं लेकिन वहां पे जरूर स्नोफॉल हुई है और भी दूर में काफी बर्फ ही बर्फ है। हमारा हाथ पहुंच गया है। हाथ पहुंच गया लेकिन हम नहीं पहुंचे। कुफरी में हो यार बर्फ। ये देखो नीचे है, ये काफी नीचे है पहाड़ियों के नीचे, बस्ती टाइप की है छोटी सी। यहाँ पे देखने में लगता है ना कि पास में ही है भाई, कम से कम 10 किलोमीटर है वो, और रोड से जाए तो और भी ज्यादा घुमावदार रोड होते हैं ना। ये हमारा होटल जहाँ पे हमने अभी खाना खाया। ब्रदर वी आर हियर ओनली, लेट्स गो। गाड़ी आ गया हमारी। ऑडी कॉल मारो ऑडी वाले को।
अरे वाह करेंगे ना। हाँ हाँ देखिए पहाड़ी एरिया और चाय पत्ती वाली चाय, पता है यहाँ पे चाय पत्ती नहीं डालते लोग चाय में, पता नहीं क्यों, हमारा 3 दिन से एक्सपीरियंस है दूध में। एक बार तो बॉर्नविटा डाल के दे दिया था, बोला यार इतने बेवकूफ नहीं है। यहाँ दूध की कमी है क्या? अच्छा ज्यादातर पानी में लोग बॉर्नविटा मिला के दे रहे हैं, एक तो मिट्टी मिला के दे रहा था साला। कमी नहीं है, वो बचा रहे हैं। हाँ वो भी है, नहीं पिछले 3 दिन से देख रहे हैं हम लोग। गोलू बेचारा ये भी अच्छे पे रिट गए, वैसे अच्छे पे रिट गए, अभी पता इसी के ऊपर चढ़ गया था। इसके और भी दोस्त साथी आ रहे हैं यार कि कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ साथियों, आ जाओ। बेजुबान जो है, हालांकि अगर बिस्कुट ना दो ना तो साला ये मेरे मेरे ऊपर ही मुंह मार सकता है। संभल के है प्यारे, वैसे अच्छे ये देखिए धूप छन के आ रही है बादलों में, ये हसीन वादियां, ये खुला आसमां, आ गए साजना हम कहां। लिरिक्स गलत है क्या? खैर कोई बात नहीं। अभी कहां पे हैं भैया हम लोग? कुफरी। ये कुफरी का लाता है? कुफरी है ये। ओके और बताओ इसके बारे में, आप कैरेक्टर लग रहे हो अच्छा, कंटेंट व्यूज लाओगे, बताओ। पे जा रहे हैं कुफरी साइड सीन, ठीक है, जहां मासू पीक है, फागू वैली है, नाग टेंपल है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लेस पे जाएगी ऊपर आप 11500 के टाइम, 11500 ये स्नो टाइम के लिए ना बहुत फेमस है यहां पे। यहाँ पे और ऊपर और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? देखने में ऊपर फन वर्ल्ड वगैरह है, एडवेंचर एक्टिविटीज वगैरह है, एडवेंचर एक्टिविटीज, फागू पीक वगैरह ऊपर ही, फागू वैली, मासू पीक, नाग टेम्पल, ये दीवार पे चलो। चलो ठीक है, पहली बार जिंदगी में हॉर्स राइडिंग हम कर रहे हैं, तो देखते हैं, काफी मजे आने वाले हैं और ये ट्रिप जो है वो और भी इंटरेस्टिंग होगी, तो फिर आपको और भी नजारे हम दिखाएंगे। अरे भाई जो है काफी उत्सुक है लेके हॉर्स राइडिंग को, तो पृथ्वी भाई बताइए यार कैसा लग रहा है? कोई बात नहीं, हॉर्स राइडिंग इससे पहले करिए कभी? हॉर्स राइडिंग भाई मैं नेशनल लेवल प्लेयर हूं हॉर्स राइडर का। अच्छा आप बताओ, जिला लेवल? मैं इसका कोच था। अच्छा कोच था। जाएगा ओवरटेक नहीं करता। और बताओ नेशनल प्लेयर भाई कैसा लग रहा है? ये कितने किलोमीटर के डिस्टेंस है भाई साहब नीचे से ऊपर? 4 किलोमीटर। और भाई नाम क्या तेरा? फेरारी तो नहीं? हाँ व्लॉग बन रही है। गगन कह रहा होगा इससे पहले भैंस पे तो सवारी की है भाई। तो आ जाता है इंडियन पास।
पाकिस्तान इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली। शूटिंग स्पॉट यहाँ पर हिंदी फिल्में बनती है जी। सबसे पहले बनी थी मर्द फिल्म अमिताभ बच्चन की अचानक, बंधन, किंगल, छुपा, बादल, परदेसी, बाबू, बैंग बैंग, बहुत सारी फिल्में बनी। रिचेस्ट विलेज शिमला का सबसे अमीर गाँव, सुंदर गाँव, ये पूरा गाँव चंदन और देवदार की लकड़ी से बना। एप्पल की वजह से फेमस, सबसे ज्यादा एप्पल का खेती एक बार, अरे अनेक बार होता भाई। अरे भाई तगड़े वाला तो एक ही बार होता। तगड़े वाला तो हाँ, ये हाँ ये भी है। उसके बाद दूसरी बार कटेगा तो लगेगा नहीं। उसके तुम दूसरे काटो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे दिल से नहीं लगेगा, लेकिन जो पहले बार फिर आदमी काटने वाले बनता दूसरा। बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल थोड़े बहुत। व्लॉग जो है वो नहीं बना पा रहे थे बीच बीच में, लेकिन अभी हमारे पास टाइम मिला। और भैया कैसे हो आप? भाई शिमला, आई मस्ट गुड, थैंक यू।